टी टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक दुकान के बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ था और काफी देर से खड़ा था, इसलिए दुकानदार ने उससे पूछ लिया कि ना कुछ ले रहा है ना जा रहा है, तो क्या चाहिए आपको बेटा? तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, मौका। जी हाँ, मुझे ये मौका इसलिए याद आया क्योंकि ऐसे ही कुछ हादसा मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला मौका। पर दोनों मौकों में फर्क था। जी हाँ, वो मौका था और ये मौका था, MOCHA, मौका। आपको पता है कि मौका जो वर्ड है वो पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था? 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जब यमन के एक पोर्ट मौका, जी हाँ ये एक पोर्ट था यमन में, अरेबिया में जो कॉफ़ी थी वो इस पोर्ट के जरिए निर्यात होती थी। तो आज जो टर्म यूज़ किया जाता है मौका, वो है कॉफ़ी और चॉकलेट का जो लिकर बनता है, इसके लिए आप चाहें तो कॉफ़ी कोल्ड बनाएं या आप इससे कोई पुडिंग बनाएं, ये मौका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम कॉफ़ी और चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बनाएंगे मौका स्लश। मौका स्लश बनाने के लिए हमने कॉफ़ी का एक कॉन्कॉक्शन बनाया है। इसमें हमने इंस्टेंट कॉफ़ी को घोल लिया है और इसको हम तैयार रखेंगे, और साथ ही में हमने लिया है चॉकलेट सिरप। स्लश तो मैं बना रहा हूँ लेकिन मेरे पास स्लश मेकर तो है नहीं, तो क्या करते हैं कि मैं मिक्सी में पहले कुछ बर्फ को बिल्कुल फाइन कर लेता हूँ। और इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा कॉफी का कंकॉक्शन जो हमने तैयार किया है, कॉफी पाउडर और पानी के साथ। इसमें हम डालेंगे अब वनीला आइसक्रीम। जितना भी गाढ़ापन है वो इस वनीला आइसक्रीम से आएगा, और जो स्लश का जो आइसिकल्स आते हैं छोटे छोटे वो आएंगे, हमने जो क्रश्ड आइस इसमें डाली है उससे। और इसमें थोड़ा सा कॉफी लिकर और डलेगा। और आइए इसको एक बारी हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्लश तैयार हो चुका है। अब बारी आती है ग्लास को सजाने की। उसके लिए हम जो वेजिटेबल स्कूपर होता है, फ्रूट या वेजिटेबल स्कूपर इस तरह का, इससे हम छोटे छोटे स्कूप्स निकाल लेंगे इस आइसक्रीम के, और ग्लास के अंदर डाल लेंगे। आइसक्रीम के छोटे छोटे स्कूप हमने इस ग्लास में डाल लिए हैं। अब बारी आती है, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लेंगे और इस ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। अब जो स्लश हमने तैयार किया है इसके अंदर पोर कर लेते हैं इसको। और इस स्लश के ऊपर हम डालेंगे पहले थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट, और उसके ऊपर फिर से क्रीम और फिर से ग्रेटेड चॉकलेट। ग्रेटेड चॉकलेट के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालेंगे, और फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा मौका। अब आपको चाहिए सिर्फ एक मौका, जी हाँ, इसको बनाने का। मौका स्लश बनाने के लिए आइए इसका रिकैप देख लेते हैं। मौका स्लश बनाने के लिए ब्लेंडर में 2 कप आइस क्यूब्स, आधा कप चॉकलेट सिरप, 2 बड़े चम्मच कॉफी का डिकॉक्शन, 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब एक ग्लास के बेस में 2 छोटे स्कूप वनीला आइसक्रीम के डालकर बनाए हुए स्लश को ऊपर से पोर करें, और ग्रेटेड चॉकलेट और व्हिप क्रीम के साथ गार्निश करके इसको ठंडा सर्व करें। अब बारी है आज के कॉन्टेस्ट क्वेश्चन की, और हमारा आज का सवाल है कि साबले बनाते समय मैंने मैदे के अलावा किस चीज का आटा इस्तेमाल किया था? ए गेहूं का, बी चावल का, या फिर सी चने का। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए। साबले बनाते समय मैंने मैदे के अलावा किस चीज का आटा इस्तेमाल किया था? ए गेहूं का, बी चावल का,
या फिर सी चने का। अपना जवाब आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए TTR स्पेस दीजिए और अपने जवाब का सही ऑप्शन लिख भेजिए A, B या फिर C। अपना जवाब आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज अगर आपने देखनी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.foodfood.com पर। जल्दी मिलेंगे कुछ और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। लेकिन जाने से पहले यदि आपके पास कोई सजेशंस हो, कोई सलाह या फिर आपकी कोई रेसिपीज़ हो जिन्हें आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है chefrakesh@foodfood.com।